फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आपने जो सामाजिक विज्ञान का टेस्ट दिए थे उसका रिजल्ट आ चुका है और ये 12 तारीख को यानी आज ही के दिन ये टेस्ट हुआ था। और इस टेस्ट में 400 बच्चों ने टेस्ट दिया है जिसमें से 35 बच्चे टॉपर हैं। तो आइए एक एक करके नाम यहाँ पे ले लेते हैं जो लोग टॉपर हैं। जो लोग 20 में से 20 लाए हैं और 20 में से 19 लाए हैं वो भी टॉपर हैं। पहली है काजल, उसके बाद गजेंद्र, उसके बाद ऋषि, उसके बाद अनीस, प्रिंस, राजू, रोहित, उदय, आसिफ, चंदन, मुन्ना, रवि, प्रकाश, ये सभी बच्चे 20 में से 20 लाए हैं। और यहाँ से जो मुन्ना कुमार है, रवि है, प्रशांत है, ये 19 नंबर लाए हैं। और यहाँ पे हम बच्चों का नाम ले लेते हैं, अभिषेक, ऋषि, रोहित, उदय, रोहित, अंश, राजीव, गुड्डू, रंजीत, प्रिंस, मुन्ना, प्रिंस राज, प्रीतम, मुन्ना और आयुष। और आगे देखिए यहाँ पे आयुष कुमार सिंह, उसके बाद यहाँ पे देखिए धनजीत, शिल्पी, और यहाँ पे समंदर सिंह, और यहाँ पे अभिषेक, कृष्णा, रोशन, नीरज, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 20 में से 20 लाया है। और कितने बच्चों ने यहाँ पे 20 में से 19 लाए हैं, ये दोनों बच्चे यहाँ पे टॉपर हैं और इनकी संख्या 35 है। और आपको अगर रिजल्ट देखना है तो इसका जो यहाँ पे सभी बच्चों का 400 बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देख, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक है पीडीएफ का, वहाँ से आप लोग इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं, उस पे लिखा होगा, जैसे ही आप लिंक देंगे तो आपको वहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, तो डाउनलोड पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ऐसा एक लिखा होगा 12/9/2021 रिजल्ट, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और अपना स्कोर देख लेना है। बहुत सारे बच्चे 18 नंबर भी लाए हैं, 17 नंबर भी लाए हैं, तो वो भी टॉपर हैं, लेकिन हम सभी बच्चों का यहाँ पे नाम नहीं ले सकते, बहुत ही ज़्यादा बच्चे थे। तो इसीलिए 19 नंबर और 20 नंबर जिन बच्चों का आया है वो 35 बच्चे हैं और ये टॉपर हैं। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों को भी जिन बच्चों का यहाँ पे नाम नहीं आया है तो अगले टेस्ट में आपको क्या करना है कि अपना नाम लाना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है तो आपको क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है www.askclass.in, आप लोग सर्च कीजिएगा और वहां पे जाके प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, साइंस में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाला गया है उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जाइए आप लोग www.askclass.in पे जाइए और जिस पे लिखा होगा 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुरू में ही उस पे आपको क्या करना है, विज्ञान वाले सेक्शन पे खोलना है और फिजिक्स में सभी विषय का यहाँ पे जो फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल दिया गया है तो उसे आप लोग देख लीजिए। रसायन शास्त्र का भी डाला गया है, वो सभी आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट का समय है 8 बजे से लेके, सुबह से लेके 3 बजे शाम तक अगर आपको टेस्ट देना है तो इस नंबर पे हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 87 89 30 73 04, इस पे आपको क्या करना है, एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम ग्रुप में जोड़ देंगे। और आपको 8 बजे सुबह तक एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस लिंक को दबा के, और याद रहे आपको एक ही मोबाइल नंबर डालना है और आप लोगों को एक ही बार में टेस्ट को फिनिश कर देना है, एक ही बार में आपको टेस्ट पूरा देना है। एक बार अगर आप लोग वो मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा उसके बाद दोबारा वो काम नहीं करेगा, उस नंबर से आप लोग नहीं दे सकते हैं एग्जाम। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट एक ही बार में कंप्लीट कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।